उत्तर प्रदेश का भदोही जिला भारत में कालीन बुनाई का बड़ा केंद्र है। कुशल कारीगरों के हाथ से बने कालीन अपनी बारीक डिजाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन अब उद्योग को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने 23 जुलाई को एनडीए सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। भदोही के कालीन उद्योग को बजट में ऐसे उपायों की उम्मीद है जो इस उद्योग में नई जान फूंक सके। कई बुनकरों का कहना है कि लगातार काम न मिलने से उनकी रोजी रोटी तक मुश्किल में है। हम सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कालीन पे जीएसटी है उसको भी कम करें और हम लोगों के लिए भी एक बजट में अलग से पेश करें। हम मजदूरों के लिए तो हम लोगों का इतना नहीं मिल पाता जिससे हमारे घर का खर्चा चल सके और शिक्षा में हम अपने बच्चों को जो है उच्च शिक्षा तक नहीं ले जा पाते, सिर्फ माध्यमिक या प्राइमरी स्कूलों तक ही रह जाते हैं। सरकार से यही बोल रहे हैं कि हम लोग गरीबों के लिए कुछ सरकार मदद करे तो अच्छा ही होगा। क्या ये 12 महीने काम चलता है? नहीं, 12 महीना नहीं चलेगा, बारिश में बंद हो जाएगा। तो फिर आप लोग कैसे, आप क्या करेंगे, घर पे बैठेंगे कैसे चलेगा, वो तो भगवान को ही पता होगा। हम लोग का 300-400 रुपए का काम करते हैं। कुछ ऐसा करें मतलब कुछ हम लोग का भी और बढ़े पैसा। हम लोग मजदूर आदमी हैं और जो है कि इतने में हम लोग को बच्चों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है। गरीब आदमी तो है ही हैं हम बुनने वाले, लेकिन थोड़ा ऐसा करे सरकार कि जो है हम लोग का भी पढ़ाई लिखाई के बच्चों का काम चल जाए, घर परिवार भी ठीक ठाक चले। कालीन बनाने वालों का कहना है कि उन्हें मजदूरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूर केंद्र सरकार की मनरेगा योजना में काम करना पसंद करते हैं, वहां उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलती है। आज सरकार जो एक मनरेगा स्कीम चलाई हुई है उससे भी हमारे कालीन उद्योग पर असर पड़ा है, क्योंकि मनरेगा में ज्यादा पैसा मिल रहा है, कालीन उद्योग में बुनकरों को कम पैसा मिल पा रहा है, जिस वजह से कालीन वीवर कम हो गए और जिससे कालीन इंडस्ट्री को असर पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रहे हैं। भदोही के कालीन बुनकरों को उम्मीद है कि उनकी गुहार सुनी जाएगी और बजट में उनकी हालत सुधारने के कदम उठाए जाएंगे।